इससे गैस के उत्पादन और उससे बची हुई स्लरी का खेत के अंदर उपयोग कर प्राकृतिक खेती और फिर जो बाहर आता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो किसान के सामान्य उत्पाद से 3 गुना दाम मिला सकता है, मगर उसका मार्केटिंग करना है। यहां सूरी जी बैठे हैं, मैंने मंच पर अवार्ड देते पहले मेरी फीस ले ली कि भाई क्या हुआ लेबोरेटरी का, उन्होंने कहा पहली लेबोरेटरी हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि उसका सर्टिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वसनीयता होनी चाहिए कि ये गेहूं ये दुकान से जो मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है, चावल जो मिल रहा है ऑर्गेनिक है, ये सब्जी जो मिल रही है वो ऑर्गेनिक है। तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा ज्यादा ही दबाव अमूल पर बनाया हूं कि भाई आप इतना बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, समाज के भले के लिए आप इनिशिएटिव लीजिए। इन्होंने स्वीकार भी किया है, ढेर सारी लेबोरेटरी बनाकर देश भर के अंदर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सेल करने का चेन बनाने के लिए, जो भूमि का भी परीक्षण करेगी और जो उत्पाद का भी परीक्षण करेगी और सर्टिफाइड करेगी ये संपूर्णतया ऑर्गेनिक है। तो मुझे लगता है ये आंदोलन जैसे ही पिकअप होगा बहुत बड़ा फायदा किसानों को होने वाला है, क्योंकि उसको उनको दाम ज्यादा मिलने वाले हैं और सबसे बड़ा फायदा होने वाला है हम लोगों को, देश के नागरिकों को, जिनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी खाने के लिए। फिर तो एक बात है, लड़कियां हंस रही मेरे सामने देखकर, फिर एक बोर्ड भी आप देखोगे ऑर्गेनिक पिज्जा यहां मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैंने पहले ही क्या मल्टी डायमेंशनल है कार्यक्रम और सब कोऑपरेटिव के आधारित, मुझे इस बात का बहुत बड़ा संतोष है कि आज बहुत ज्यादा काम यहां पर हो रहा है। एनसीडीएफआई की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नस्ल सुधार के लिए और देसी नस्लों के रख रखाव के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप कर ही रहे हो, परंतु ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि देसी नस्ल जो हमारी है इसके गोबर में जितना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की क्षमता है विश्व की कोई नस्ल के अंदर नहीं है, ये परिणाम सिद्ध हो चुका है। तो हमारी देसी नस्लों को हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं इसके विषय में भी करना चाहिए। ई मार्केट के व्यवसाय में लेन देन 267 करोड़ था 2015 में इस क्षेत्र में, अब 21-22 में 4827 करोड़ तक पहुंचा है, बहुत अभिनंदन। मगर क्या हम लक्ष्य रख सकते हैं कि आपके संघ के जितने भी सभासद संघ है वो सभी अपने सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही पेमेंट करेंगे? अगर ये कर देते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, उसके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई शोषण भी नहीं होगा और कोई घपला होने का संभावना भी बहुत कम हो जाएगा। मित्रों, एक और बात के लिए दूध उत्पाद करने वाले सरकारी संघों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन चलता था तब मुझे सबसे बड़ी चिंता थी दूध की सप्लाई चेन हमारी बिखर न जाए, और एक बहुत बड़ा आंदोलन बना है। एक किसान अगर दूध उत्पाद करता है और वो दूध कलेक्ट नहीं होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं उस वक्त शुरू में चिंतित होकर रोज सोड़ी जी को फोन करता था, कलेक्शन कितना हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, मगर 10-15 दिन के बाद मैंने पूछना छोड़ दिया क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। 130 करोड़ के देश को कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से लॉकडाउन के अंदर भी उसका बच्चा दूध के बगैर न रह जाए इसकी व्यवस्था ये फेडरेशन ने की है। मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। मित्रों, डेयरी क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं पड़ी हैं और ये जो नेटवर्क बना है लगभग 1.94 लाख गांवों का जो नेटवर्क है उसमें 27 राज्य दूध संघ है, 223 जिला दूध संघ है,
एक करोड़ 94 लाख गांव की दूध उत्पादन समितियां, 1.94 लाख